11 वर्षीय छात्र का गन्ने के खेत में क्षत विक्षत अवस्था में मिला शव। 5 दिन पूर्व घर से लापता हुआ था 11 वर्षीय छात्र। गन्ने के खेत में पड़े छात्र के शव से दुर्गंध आने पर ग्रामीणों ने देखा शव। छात्र के शव से दोनों हाथ व एक पैर थे गायब। निर्दयता से बच्चे की हत्या का परिजनों ने लगाया आरोप। लापता होने पर परिजनों ने पुलिस को दी थी सूचना। घटनास्थल पर भारी संख्या में ग्रामीण व पुलिस मौजूद। वही सूचना पर पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन ने घटनास्थल का जायजा लिया और आवश्यक कार्यवाही करने के दिशा निर्देश दिए। हरदोई जनपद के शाहबाद कोतवाली के लालपुर गांव का मामला। आज दोपहर को शाहबाद थाना क्षेत्र के लालपुर गांव में गन्ने के खेत में एक बच्चे की डेड बॉडी मिलने के संबंध में अवगत कराना है कि 18 अक्टूबर की रात को 9 बजे लालपुर गांव के ग्राउंड में बच्चा 11 वर्षीय बालक खेल रहा था। उसके फादर ने उसको घर जाने के लिए कहा था, वो घर नहीं पहुंचा था। इस संबंध में पुलिस को सूचना दी गई थी। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया था। निरंतर सर्च ऑपरेशन चल रहा था, गांव वाले भी सर्च कर रहे थे। तत्काल अभियोग दर्ज किया गया था। इसी क्रम में आज दोपहर 1:15 बजे गांव से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर गन्ने के खेत में बच्चे की डेड बॉडी मिली है। डेड बॉडी पार्टली डिकम्पोज स्टेट में है। डेड बॉडी को कब्जे में लेके पोस्टमार्टम हेतु मॉर्चरी भेजा गया, जहां इसका डॉक्टरों के पैनल से पोस्टमार्टम कराया जाएगा, वीडियोग्राफी कराई जाएगी। घर वालों से वार्ता की जा रही है। प्रत्येक बिंदु की गहनता से जाँच की जा रही है। अतिशीघ्र इस घटना का खुलासा किया जाएगा।